जयगढ़ किला राजस्थान की राजधानी जयपुर में चील का तेला पहाड़ियों पर स्थित एक भव्य संरचना है। इस खूबसूरत दुर्ग को सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1726 में आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनवाया गया। यह किला चट्टान के शीर्ष पर बंधा हुआ हरे भरे और विशाल जंगलों से घिरी एक महल नुमा संरचना है। इस शानदार दुर्ग से आमेर दुर्ग तक एक भूमिगत मार्ग जाता है। जयगढ़ फोर्ट को विजय का किला के रूप में भी जाना जाता है। जयगढ़ किले को आमेर और नाहरगढ़ फोर्ट से भी ज्यादा मजबूत कहा जाता है। इस किले को कभी भी किसी बड़े प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा है। हम प्रातःकाल ही इसके भ्रमण पर निकल पड़े। सवेरे 7 बजे हम इसके मुख्य दरवाजे से प्रवेश कर गए। सामने जो आप देख रहे हैं यह आमेर दुर्ग है, जिसे अंबर फोर्ट भी कहा जाता है। यह काफी खूबसूरत है और इस पर भी मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव देखा जा सकता है। यहाँ बड़ी संख्या में कबूतर थे जो इस ऐतिहासिक स्थल को और अधिक खूबसूरत बना रहे थे। समीप के तालाब में आप सुंदर मछलियों को विचरण करते हुए देख सकते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे, नीचे के दृश्य और लुभावने लगने लगे थे। दुर्ग के अंदर बने महलों पर बनी चित्रकारी और बारीक नक्काशी अति सुंदर थी। मानसून के कारण पूरा प्रांगण हरा भरा हो चुका था। इसके बगल में जो तालाब स्थित है उसे माउठा भी कहा जाता है। इसके बीच में केसर क्यारी स्थित है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे हम काफी एक्साइटेड होने लगे। जयगढ़ दुर्ग भूमि से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए आपको कई सारे दरवाजे पार करने होंगे। आप जैसे जैसे किले पर चढ़ाई करेंगे आपकी हार्ट बीट तेज होने लगेगी। लेकिन जैसे ही आप शीर्ष पर पहुंचेंगे एक ठंडी हवा का झोंका आपको अद्भुत शांति प्रदान करेगा। इस किले के जो रास्ते हैं वो ना तो सीमेंट और ना ही चारकोल के हैं,
बल्कि पत्थरों को टाइल की तरह जमाया गया है जो देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं। इस रास्ते के पत्थरों के बीच हरी भरी घास उग चुकी थी जो इसके सफर को और हसीन बना रही थी। अब हम काफी ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। हम जयगढ़ किले के आवनी दरवाजे पर पहुंचे और यहीं से आप जयगढ़ किले के लिए टिकट खरीद सकते हैं। इसके खुलने का समय प्रातः 9 बजे से है। हम एक घंटा पहले ही यहाँ पहुँच गए। अतः हमने दुर्ग पर भ्रमण करने आई बकरियों के साथ टाइम स्पेंड किया और हम लोगों ने एक दूसरे के साथ अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जयगढ़ दुर्ग के एंट्री टिकट का प्राइस 100 रुपए था जो हमें थोड़ा सा ज्यादा लगा, किंतु हमारे लिए एक नए एक्सपीरियंस के लिए ये 100 रुपए कुछ भी नहीं थे। अतः हमने बिना समय गवाए टिकट खरीद कर एंट्री कर ली। सबसे पहले हम तोप कारखाने की ओर बढ़ गए। यहाँ से आमेर फोर्ट का शानदार नजारा आप साफ देख सकते हैं। तोप कारखाने में ज्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ कुछ अति प्राचीन तोपें थी। इसके अलावा कुछ पुराने जमाने की घोड़ा गाड़ी अथवा बग्गियाँ यहाँ पर थी। पश्चात हम आगे बढ़े और शस्त्रागार की ओर निकल गए। यहाँ पर आप अति प्राचीन काल के कवच, परशु शस्त्र, राइफल्स, तलवारें, कटारे, शिवबाण व रामबाण तोप, कुछ प्राचीन उपकरण और बहुत कुछ देख सकते हैं। समीप में ही भगवान श्री राम हरिहर का अति सुंदर मंदिर के भी आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर पर बनी चित्रकारी बेहद सुंदर है। इसी के बगल में श्री काल भैरव मंदिर भी स्थित है। जयगढ़ दुर्ग बेहद विशाल है, अतः इसका भाग 2 आप जरूर देखें। उसमें आप विश्व की सबसे बड़ी तोप, जयबाण, शिल्पग्राम और जयगढ़ का सबसे ऊंचा भाग देखने वाले हैं।